नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आज जिस घटना के बारे में बताने वाला हूँ, ये बाबा भोलेनाथ जी का चमत्कार है। जो आप इस पूरी कहानी को सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या हुआ। तो दोस्तों, होता क्या है कि पिछले साल शिवरात्रि को हमारे बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में, जैसे ये भोले जी का मंदिर है, इस मंदिर में वहां पर शिवरात्रि होती है और क्या होता है कि दिन में भंडारा किया जाता है और रात को सारे भक्त आते हैं। कुछ लड़कियां थी, कुछ लड़के थे और कुछ बुजुर्ग थे। साथ में हमारे ताऊ जी थे, जो थे वो भोलेनाथ जी के बहुत अच्छे भक्त थे, तो वो हर शिवरात्रि को यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं और वहीं पर बैठते हैं। तो दोस्तों, होता क्या कि हम सभी वहां पर रात को शिवरात्रि के मंदिर में आते हैं और रात को जागरण होता है। तो जागरण हम किसी को बाहर से नहीं बुलाते, हम सारे ही जैसे परिवार वाले होते हैं आपस के, जैसे गांव के लोग होते हैं, तो आपस में ढोल चिमटा जो भी गाना होता है वो गाते हैं भोलेनाथ जी का, पूरी रात कीर्तन चलता है। तो दोस्तों, होता क्या कि रात को पहले तो एक पैर की पूजा की जाती है, फिर दो पैर की, शिवरात्रि को चार पैर की पूजा होती है। तो होता क्या कि दो पैर की पूजा कर रहे होते हैं और सारे अपने 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 भजन कीर्तन में मस्त होते हैं। तो दोस्तों, होता क्या कि एक साधु आदमी आता है, साधु संत आता है। तो होता क्या कि दोस्तों, उस गांव में क्या है कि साधु संत लोग दिन दिन में आते हैं, रात को कोई नहीं आता है। और था उस दिन शिवरात्रि का दिन था, और उस दिन क्या होता है कि वो साधु संत कौन था, वो भोलेनाथ जी थे। हुआ क्या कि अब जब वो आते हैं वहां पर, तो उन्होंने आते ही वहां पर कहा कि मुझे प्रसाद दो। तो ताऊ जी ने प्रसाद बचा हुआ था, प्रसाद उन्होंने भोलेनाथ जी को दिया, वो क्योंकि वो भोलेनाथ ही थे। होता क्या कि जब अब ताऊ जी ने सोचा साधु संत हैं तो इनको प्रसाद दे देता हूँ, प्रसाद बचा था, उन्होंने लड़के को कहा भाई प्रसाद दे दे। तो प्रसाद लिया भोलेनाथ जी ने, वहां से भोलेनाथ जी चले गए। होता क्या कि ताऊ जी जैसे ही भोलेनाथ उधर की तरफ चलते हैं, तो बाहर वो राइट हैंड की तरफ को, माता चिंतपूर्णी की तरफ को निकलते हैं। तो ताऊ जी के मन में है कि वो साधु कौन था, मैं देखना चाहता हूँ कि वो साधु कौन था। तो ताऊ जी ने क्या किया कि ताऊ जी बाहर निकले, तो उन्होंने बाहर पूछा कि भाई वो जो साधु आया था वो किधर की तरफ गया। तो हुआ यह कि ताऊ जी को कहा कि वो माता चिंतपूर्णी की तरफ को रास्ता जा रहा है, इधर गया। तो क्योंकि वो दोस्तों आगे पीछे घना जंगल है, तो उधर की तरफ से। तो होता क्या है कि साथ में अभी गांव ही था जहां से वो जा रहे थे, मगर सभी गांव के जो घर थे वो सड़क थी और सड़क उनका घर के उधर की तरफ पीठ थी मकान की। तो होता क्या कि जैसे ही ताऊ जी जाते हैं और उसको उधर थोड़ी की दूर कोई 100 मीटर दूर जाते हैं, तो देखते हैं कि वो साधु जो है एक पेड़ के नीचे बैठा है, और पेड़ के नीचे बैठा है और उनकी जो आंखें थी ऐसे लग रहा है कोई आग जल रही है। और ताऊ जी ने देखा कि जैसे भोलेनाथ हैं वैसे ही जटाएं उनकी, हाथ में त्रिशूल है और ऐसे जैसे आशीर्वाद देते हैं वैसे बैठे हैं। तो ताऊ जी ने वहां पर भोलेनाथ जी को, क्योंकि वो उस समय तपस्या में बैठ गए थे, तो आंखें बंद करके, और उनको कह रहे कि जैसे ऐसे लग रहा कि उनकी आंखों से आग निकल रही है। तो ताऊ जी ने भोलेनाथ जी को प्रणाम किया और उन्होंने कुछ कहा नहीं, तो सीधा किया कि देखकर आते हैं और चले आते हैं। तो ताऊ जी ये चीज देखकर किसी को भी बताते नहीं है। तो दोस्तों, ये घटना जो थी, ये हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में सोहाना गांव है, वहां पर भोलेनाथ जी का मंदिर है। तो ये मंदिर जो है दंगेड़ा गांव के अंदर है। इस मंदिर की काफी जो सच्ची घटनाएं हुई है वो मैंने कुछ स्टोरीज में बताया भी है। बाबा बालकनाथ के भी चमत्कार हुए इसमें, क्योंकि ये जो मंदिर है कई सालों पुराना है और यहाँ पर कई लोग आते हैं और काफी लोगों की यहाँ पर मन्नतें पूरी होती हैं। तो दोस्तों, अगर ये भोलेनाथ जी, क्योंकि भोलेनाथ जी की अब जब पूजा अर्चना करते हैं तो भोलेनाथ जी शिवरात्रि में जरूर आते हैं, वो किसी भी रूप में आए, मगर होता क्या कि भगवान की माया ऐसी होती है कि हम भगवान को पहचान नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर ये भोलेनाथ जी के अवतार की कहानी आपको अच्छी लगी है घटना,
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।